हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के BSCG और BAG वाले बच्चों के लिए BMT 141 यानी कि लीनियर एल्जेब्रा का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्ज़ाम पैटर्न का अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे, सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम्स आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो लेक्चर्स होंगे सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और PDF नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसके भी आपको लेक्चर्स करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके और केवल उसका PDF फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के पूरे सिलेबस के बकायदा लेक्चर्स होते हैं, उसी तरीके से आपका जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स होंगे, और उन लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने में। इसके साथ ही असाइनमेंट के लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम के पर्पज़ से, और आपकी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो सिलेबस है और आपकी जो बुक्स है, दोनों का ही PDF फॉर्म आपको दिया जाएगा, और आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपको जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 महीने पहले क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपके पूरे कोर्स का रिविजन होगा, और ये क्रैश कोर्स फ्री होगा फुल कोर्स के साथ ही। इसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। इससे पहले हम लोग स्टार्ट कर चुके थे ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है वेक्टर स्पेस, और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स। यूनिट फर्स्ट के अंदर भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक भी शो कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो बुक ओपन कीजिएगा, अदरवाइज केवल हमारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा। पूरा जो भी कोर्स है उसे फॉलो कीजिएगा, आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका यूनिट फर्स्ट है, नाम दे रखा है रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पर वो सभी टॉपिक दे रखे हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस को हम लोग किस तरीके से कवर कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी थ्योरी वाला पार्ट है, चाहे वो डेफिनेशन हो चाहे वो थ्योरम्स हो, वो सारी की सारी आपको करवाने वाले हैं। इसके साथ ही इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको करवाएंगे। प्लस इसके साथ ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपका यूनिट फर्स्ट है, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा उसके बाद यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए होंगे ना, हम उनका सोल्यूशन भी चैप्टर फिनिश होने के साथ साथ करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ आपने चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर लिया है, और चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में से जितने क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं आप उन्हें कर पा रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास। ये आपका यूनिट फर्स्ट है, जिसका नाम दे रखा है रिव्यू ऑफ मैट्रिक्स, और यूनिट फर्स्ट का हमारा जो सबसे पहला वाला टॉपिक है वो टॉपिक है मैट्रिक्स, और इसके अंदर हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के डेफिनेशन, नोटेशन, मैट्रिक्स में एलिमेंट, कॉलम, रो और ऑर्डर किसे कहते हैं, कैसे ये सब फाइंड करते हैं ना, ये सारे का सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। अब इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर नोट करके दो बात आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा जरा। पहली बात, कोई भी लेक्चर्स या कोई भी टॉपिक स्किप मत करना, सारे टॉपिक लेक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो आप वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन कोई भी टॉपिक कोई भी लेक्चर स्किप मत करना, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो स्टार्ट या लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठना, केवल सुनने से देखने से नहीं होगा, आपको जो भी देख रहे हो जो भी लेक्चर टॉपिक आप देख रहे हो उसे कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया मैट्रिक्स। सेकेंड हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर सेकेंड के अंदर कवर कर लिया था। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स के टाइप दे रखे हैं ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा। कैसे आएगा अभी बता देते हैं। पहली बात, यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स के टाइप लिखे हैं वो हमने आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताया है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ा चुके हैं लेक्चर नंबर हमारे सेकेंड के अंदर। यहाँ पे लिख देते हैं कहाँ पे लिखे,
यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर हम लोगों ने टॉपिक नंबर सेकंड यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स कर लिया था। हाँ, यहाँ पर हम बताने वाले थे कि जो टॉपिक है आपका मैट्रिक्स के जितने भी टाइप हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, ऐसा एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है उसके डेफिनेशन एग्जाम्पल दो, या फिर कॉलम मैट्रिक्स के डेफिनेशन एग्जाम्पल दो, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन एग्जाम्पल दो, या फिर डायगनल मैट्रिक्स से एग्जाम्पल या फिर एग्जाम्पल डेफिनेशन दो, ऐसा कुछ भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स के टाइप दे रखे हैं इन सभी को डायरेक्ट उन टॉपिक्स में उन क्वेश्चन में पूछेगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। ठीक, इसलिए इन सभी टॉपिक को सीखना जरूर, समझना जरूर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इसी तरीके से ये दोनों मैट्रिक्स भी हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स से ही पार्ट हैं। देन टॉपिक नंबर थर्ड हम लोगों ने कवर कर लिया था लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर। इसमें हमने क्या सीखा था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किसी दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स किसी दो मैट्रिक्स को किस तरह से सब्ट्रैक्शन किया जाता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर मतलब नंबर, स्केल का मतलब होता है नंबर, किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर की किस तरीके से मल्टीप्लाई की जाती है। द नेक्स्ट, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर फोर, ये क्या है हमारे पास, सम स्पेशल मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टी। अब ध्यान रखना ये वाले जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे ये थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, डायरेक्ट इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट जरूर पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये वाले जो मैट्रिक्स है हमारे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, कैसे फाइंड करते हैं, देन नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये सारे के सारे जितने मैट्रिक्स लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से भी पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। जैसे पूछ लेगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके एग्जाम्पल दो, उसकी डेफिनेशन दो, या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को किसी दूसरे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट तरीके से भी पूछ लेगा, तो आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट डेफिनेशन उनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर फिफ्थ, ये क्या देखा हमारे पास, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपने कुछ इस टाइप की कुछ लीनियर इक्वेशन देखी होगी, 3x+2y=6 या फिर x-y=2 देखी होगी ना, तो टॉपिक नंबर फिफ्थ में हम लोग यही सीखेंगे कि इन टाइप की लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका आपका भी बहुत ज्यादा यूज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास, आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर फोर, और लेक्चर नंबर फोर में हम लोग क्या सीखेंगे, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे मैट्रिक्स दे रखे हैं, वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अगेन उसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, देखो इसकी डेफिनेशन समझने से पहले हमारा क्या देखा टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसकी डेफिनेशन फिर देखेंगे, पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। यहाँ पे आपका एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, आप सिंबल ए बी सी डी कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखो हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखा है 2, 3, 4, 6, 9 और आपका 8, ये एक आपका मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आप जानते हो, इसमें 2 रो है, ठीक है, एक रो आपकी ये हो गई है ना, और सेकेंड रो आपकी ये हो गई, तो 2 रो हो गई, कॉलम कितने हैं, 1, 2 और 3, यानी 2 रो और 3 कॉलम। अब इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये गंदा ना हो क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, इसका आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब है आप इसको ऊपर ए टी, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड बच्चों, ए का मतलब ये आपका मैट्रिक्स है और ये क्या है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, ये देखो ये लिखा हुआ ट्रांसपोज है ना, तो मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज होगा उसे हम लोग किससे शो करेंगे, ए टी से शो करेंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि दिए हुए मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देना। जैसे एक मिनट बच्चों, इसका कलर चेंज कर लेते तब आसान रहेगा। जैसे हमारे पास ये रो वन ना, तो रो वन को चेंज करना है किसमें, कॉलम वन में, 2, 3 एंड 4। या आपका कह देगा, ये आपका रो टू दे रखा है, तो रो टू को चेंज करना है कॉलम टू में, यानी 6,
9 और आपका 8, बस इतना सा करना। इसे बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसके यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे ये कितना बन गया हमारे पास, ये इसका ऑर्डर कितना हो गया, ये 3 रो और आपका 2 कॉलम, ठीक है, कर लोगे? आई थिंक समझ गए हो। समझने का सिंपल सा मतलब है, जो आपका कॉलम 1 होता है, यहाँ पे नोट करके देख लीजिएगा साइड में, यानी कॉलम 1 को चेंज किस में कर देते हैं, रो 1 में, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, ऐसे नहीं करते हैं, बस एक मिनट रुकना, एक मिनट। हाँ, इसमें जो आपका रो 1 होगा ना, रो 1 को चेंज कर देंगे कॉलम 1 में, और आपका जो रो 2 होगा उसे हम चेंज कर देंगे इसमें कॉलम 2 में, अगर आपका रो 3 दे रखा उसे चेंज कर देंगे कॉलम 3 में, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब हम जब भी हम ट्रांसपोज निकालते हैं ना, तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर कितना लिखा है, 2 इंटू 3, यहाँ पे ऑर्डर कितना लिखा था, 2 इंटू 3, और यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एग्जाम्पल और देख लो, देन उसके बाद इसकी डेफिनेशन आपको अगेन समझा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2, यहाँ पे आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या लिखा, हमारे पास ये ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई जेड, और आपका 1 2 और आपका 3। एक सेकंड बच्चों, इसका ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक मिनट रुकेगा। ये हो गया आपका और ये हो गया आपका, एक मिनट बस, ठीक है, ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या था, सिंपल सा मतलब ये तो था ट्रांसपोज का, पहले इसका यहाँ पे ऑर्डर लिख लो, 3 रो है और देन 3 कॉलम है, ठीक है। मतलब ये था, ये जो आपका रो 1 दे रखा है, इस रो 1 को किस में कन्वर्ट कर दो, ये रो 1 दे रखा है इसको किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम 1 में, यानी मतलब क्या हो गया, ये ए बी और आपका सी, कोई दिक्कत तो नहीं है, रो 1 कॉलम 1 बन गया। देन ये क्या हमारे पास रो 2 है, रो 2 को किस में कन्वर्ट कर दोगे, कन्वर्ट करोगे कॉलम 2 में, एक्स वाई और जेड, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, रो 3 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, कॉलम 3 में, यानी 1 2 3। आई थिंक आपको कॉलम और रो का मतलब पता होगा। अब इसका भी ऑर्डर कितना है, 3 इंटू में 3, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ठीक वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा, डेफिनेशन में क्या लिखा है, लेट आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है ए आई जे, कौन से ऑर्डर का, एम इंटू एन ऑर्डर का, है ना, एम इंटू एन ऑर्डर का। अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट, ये सिंबल, अगर आपको ये सिंबल समझ में नहीं आ रहे ना, तो पहले के लेक्चर्स देख लीजिएगा, आपको सारे सिंबल का मतलब समझ में आ जाएगा, हमने समझा रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाई ए टी, देन इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले इसका ऑर्डर कितना था, पहले इसका ऑर्डर था एम इंटू एन, जैसे हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तब इसका ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पे देखो, तब इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास, एन इंटू एम, वही तो हो गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखा है, 2 इंटू 3, अभी कितना हो गया, 3 इंटू 2, ये तो बोला था हमने, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था, सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को ये याद नहीं रहता है और आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा ये, ठीक है। डेफिनेशन देखो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, देखो आपको बहुत ही आराम से समझ में आएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, एन 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 क्रॉस एन एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक अगर उसका ट्रांसपोज करे और वो सेम मैट्रिक्स आए। नहीं समझ में आ रहा, पहले इसका एग्जाम्पल देख लो, फिर इसकी डेफिनेशन भी समझ में आएगी, ठीक है। एक मिनट इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, फिर करते हैं हम लोग, देखो आराम से, ठीक है। एक आपका मैट्रिक्स ए दे रखा है, ए मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास, ये 3 दे रखा है, -1 दे रखा है, -1 दे रखा है, और आपका ये 5 दे रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2, यानी सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे समझना, ये क्या है, 2 इंटू मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसका ए क्रॉस ए, सॉरी, अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तब इसका आंसर कितना आएगा, देखो बहुत आसान था, क्या था, इस रो 1 को किसमें चेंज करना है, कॉलम 1 में, तो ये क्या जाएगा, 3 और ये -1, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका रो 2 था, इस रो 2 को किसमें कन्वर्ट कर देना है, कॉलम 2 में, यानी 1 और आपका ये 5, पर ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस लिखा है ना, ये परेशान मत होना, ये इसके पीछे थोड़ा हल्का सा छिप गया है, ये देखो ये लिखा है ना माइनस। अब यहाँ पे नोटिस करोगे, ये दोनों मैट्रिक्स का सेम ही तो है, देखो जब हमने ट्रांसपोज निकाला और जो ट्रांसफर आया उसके जैसा सेम तो आया, 3 -1 -1 और 5, यानी ये क्या है, सेम टू सेम ए के इक्वल आया, मतलब ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो आपस में क्या है, ए के ही इक्वल है। तो अगर कोई सा मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना,
अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और उसका जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, सेम ए मैट्रिक्स आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। वो लिखा है इफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। अगर आपका ए टी क्या है, इक्वल किसके, ए के इक्वल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से दोबारा समझ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर किसी मैं कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और उसका ए टी फाइंड करो और वो भी किसके इक्वल आ जाए, ए के ही इक्वल आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला मैट्रिक्स कैसा है, ये मैट्रिक्स हमारा कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, एक और एग्जाम्पल दें, परेशान मत हो, एक एग्जाम्पल हम आपको अभी एक और दे देते हैं। देखो जरा एग्जाम्पल नंबर टू देख लो कि सर एक से क्लियर नहीं हुआ है तो दूसरा वाला देखो। एग्जाम्पल टू में यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा है, मामले यहाँ पे लिखा है ए एच जी और एच बी और आपका एफ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जी एफ और आपका सी, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, इस साइड का भी ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये दे दिया। और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर देखो 3×3, डेफिनेशन में यही तो लिखा है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब अगर हम इसका क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज फाइंड करो, तो ए ट्रांसपोज का क्या आएगा, सिंपल सा आंसर तुम्हारे पास क्या था, ये रो वन था, रो वन को किस में कन्वर्ट करना है हम लोगों को, कॉलम वन में, यानी कि ए एच और आपका जी, ये कॉलम वन हो गया। ये आपका रो टू था, रो टू को चेंज कर दो कॉलम टू में, यानी कि एच बी और आपका ये एफ हो गया। ये आपका क्या हमारे पास था, रो थ्री, ये क्या हो गया हमारे पास, ये जी एफ और सी। और आप मैच करो, ये पूरा पूरा जो मैट्रिक्स है ए टी, यानी ए टी जो मैट्रिक्स आया है, ये किसके इक्वल है, ए के ही तो इक्वल है। मैच करो वीडियो को पॉज करके, देखो ए एच जी, ये भी ए एच जी है। गंदा हो जाएगा बच्चों ये ज़्यादा हम करेंगे तो। एक सेकेंड रुकना, बस एक मिनट रुकना, बस एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट। ये कितना है, ए जी एच है, तो ये भी क्या है, ए एच जी है, सेम है ना, एच बी सी एच बी एफ और ये एच बी एफ है, ये क्या है जी एफ सी, ये भी क्या है जी एफ सी, सेम टू सेम है, यानी क्या ये ए के इक्वल है। अभी समझ गए कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है और उसका ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है वो भी क्या है, ए के इक्वल होता है, तब हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कॉपी पेन निकालना, नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या था, सेकेंड हमारे पास था इफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा, जब उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए। देखो इसके भी एग्जांपल देख लो आराम से, है ना, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसका भी एग्जांपल देखो, एग्जांपल फर्स्ट, एक आपका मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए क्या लिखा हमारे पास, जीरो माइनस फाइव जीरो, एक सेकेंड बच्चों, क्या लिखा हमारे पास, जीरो लिखा है, माइनस फाइव लिखा है, यानी यहाँ पे हमारे पास फाइव लिखा है, यहाँ पे हमारे पास जीरो लिखा है। इसका ऑर्डर कितना है, देखो यहाँ पे ऑर्डर लिख लो, सबसे पहले टू क्रॉस टू है, नहीं है ना, रो और कॉलम सेम होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, ए टी हमारे पास कितना आएगा, ए तो हमें करना था, ये आपका क्या रो वन है, तो रो वन कितना गया, जीरो माइनस फाइव, ये क्या है, दूसरा रो हमारे पास ये रहा, ये क्या हो जाएगा फाइव और आपका जीरो, कोई दिक्कत तो नहीं, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कर लोगे ना इतना ये। अब यहाँ पे नोटिस करो, क्या हम इस मैट्रिक्स में से, एक मिनट रुकना बच्चों, क्या हम इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। देखो क्या हो गया, ए टी इक्वल टू में जीरो में से माइनस कॉमन लिया, मतलब इन सभी एलिमेंट में से, जीरो में से, फाइव में से, माइनस फाइव में से, जीरो में से, सभी में से माइनस कॉमन लेना है, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर यही तो बचेगा, जीरो में से माइनस कॉमन लेंगे जीरो बचेगा, फाइव में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, माइनस का फाइव, माइनस फाइव में से माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा, फाइव, जीरो में से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, जीरो। कॉमन तो ले सकते हो ना, बाद में माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे चेक करो, ये पूरा को पूरा मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये ए के तो इक्वल है। वीडियो को पॉज करो, तो कोई ए मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपका सेम टू सेम है, तो यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू में ए माइनस ए, माइनस है ना, यानी भी क्या होगा, तो समझना, अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है और उसका जो ट्रांसपोज हम करते हैं और वो माइनस ए के इक्वल आता है, तो उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक ये लिख कर देखना बच्चों, ऐसे ही नहीं आएगा समझ, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जितना लिखोगे ना आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, सुनने से ज़्यादा लिखना, लिखने से अच्छा क्लियर समझ में आता है, ठीक है।
सेकंड देख लो हमारे पास एग्जांपल सेकंड, इसका भी देख लो ताकि और आपको क्लियर हो जाए। अगेन एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे पास दे रखा है जीरो एच जी और माइनस का एच जीरो एफ, यहाँ पे क्या रखा है माइनस का जी माइनस का एफ और आपका जीरो, ठीक है। ये कितना हमारे पास दे रखा है, इसका ऑर्डर कितना है थ्री इंटू थ्री। अगेन जब हम इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज क्या करते हैं, ये आपका जो रो वन दे रखा है रो वन, ये क्या बन जाएगा हमारा कॉलम वन बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। जीरो ये एच हो गया और ये आपका ये जी हो गया, देन ये आपका क्या है रो टू है, रो टू क्या बनेगा कॉलम टू बनेगा, यानी कि आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का एच जीरो और आपका कितना हो गया एफ हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया हमारे पास ये रो थ्री, रो थ्री क्या बन जाएगा हमारे पास कॉलम थ्री, यानी माइनस का जी माइनस का एफ और आपका ये क्या बन जाएगा जीरो। इसका भी ऑर्डर कितना है थ्री इंटू थ्री। आप मुझे बताओ आप इसमें से कॉमन ले सकते हो माइनस, हाँ बहुत आसान है माइनस कॉमन लेना, यहाँ पे कहाँ पे लिखे किसी के सामने लिख देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा देखो आराम से देखना जरा, जीरो में से माइनस कॉमन लेंगे जीरो ही बचेगा, माइनस एच में से माइनस एच में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा एच बचेगा, माइनस जी में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा जी बचेगा, एच में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास ये माइनस का एच बचेगा, जीरो में से कॉमन लो जीरो बचेगा, माइनस एफ में से माइनस कॉमन लेंगे तो एफ बचेगा, जी में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का जी बचेगा, एफ में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का एफ बचेगा, जीरो में से कॉमन लेंगे तो जीरो बचेगा। माइनस तो कॉमन लेना आता होगा ना, बाद में जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया हमारे पास ये माइनस हो गया, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स आपका ए की तो इक्वल है माइनस ए, आपको समझ में आ रहा है। हमने मैट्रिक्स ए माना था उसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन लिया तो अंदर जो मैट्रिक्स बचा वो क्या ए बचा, तो आप समझ गए हो कि अगर कोई ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, और अगर हम उसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं और वो किसके इक्वल आ जाए माइनस ए के, तो हम उसे क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, देखो बच्चों हमारा जो टॉपिक नंबर फोर था ना, टॉपिक नंबर फोर का हमारा जो स्टार्टिंग के तीन टॉपिक थे है ना, कौन कौन से टॉपिक, पहला हमारे पास क्या था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा क्या था ये हमारा स्क्यू मैट्रिक्स, जो तीन टॉपिक थे ये हम लोगों ने किया आज के लेक्चर नंबर फोर के अंदर। बाकी के टॉपिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी फिर से प्रैक्टिस कर लेना कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कहते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि इन तीन टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो इग्नू की बुक है उसमें जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए ना उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये आपका एग्जाम्पल नंबर सेवन दे रखा है, इससे पहले के जितने भी एग्जाम्पल है वो हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत आसान है। जिसको समझ में आ रहा है वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, इसके एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास दे रखे हैं, वन टू माइनस वन माइनस वन टू और आपका वन, ठीक है। इसका क्या निकाला इन्होंने बोला इसका ए टी फाइंड करो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये, ठीक है, राइट डाउन ए टी यानी ए ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है, तो इसका ए ट्रांसपोज कितना होगा, बहुत सिंपल सा था, क्या था हमारे पास ये जो रो वन दे रखा है, एक सेकेंड, ये जो रो वन दे रखा है इस रो वन को किस में कन्वर्ट करना है कॉलम वन में, कितना जगह वन टू और माइनस वन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगेन ये आपका क्या देखा रो टू दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है कॉलम टू में, माइनस का वन टू और आपका वन, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका ऑर्डर कितना था पहले वाले का, इसका ऑर्डर था हमारे पास टू इंटू थ्री, टू रो थ्री कॉलम, इसमें कितना हो गया थ्री रो और टू कॉलम, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या देखा एग्जाम्पल नंबर एट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक एंड विच आर स्क्यू सिमेट्रिक, विच आर नाइदर सिमेट्रिक और नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से बच्चों हम एक करेंगे, बाकी आप सेल्फ पढ़ना, बहुत आसान है, अभी तो हमने समझाया था। अगर आपको एक मिनट बच्चों, अगर आपको ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में जरा से भी डाउट ना, जो अभी बीच हमने पढ़ाया उसको कॉपी में लिख कर करना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पूछना होगा आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहला वाला क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले को कर देते हैं, यहाँ पे ए वन दे रखा है, ए वन मैट्रिक्स दे रखा है, कितना लिखा है यहाँ पे करके कर लो वन, एक सेकेंड बच्चो एक सेकेंड, ठीक है
क्या मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है, 1 2 -1 2 2 1 और -1 1 और आपका 3, ये मैट्रिक्स आपका दे रखा है। ठीक है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3, हमें इसका ए ट्रांसपोज निकालना है ना। तो ए ट्रांसपोज क्या होता है इसका, बहुत सिंपल सा ना, अभी तो बताया था कि पहला वाला हमारे पास क्या देखा है, रो वन को चेंज कर दो किसमें, कॉलम 1 में, यानी ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 2 और आपका -1, कोई दिक्कत तो नहीं है बोलो। देन हमारे पास ये क्या देखा, रो 2 दे रखा है, इस रो 2 को चेंज कर दो कॉलम 2 में, यानी 2 2 और आपका 1। देन रो 3 को चेंज कर दो, ये आपका रो 3 दे रखा है, इसको किसमें चेंज कर देंगे, कॉलम 3 में, -1 और 1 और आपका 3, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका भी ऑर्डर आ गया। अब नोटिस करके जरा चेक करना कि ए ट्रांसपोज करने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स आया है ना, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है, ये देखो ए के ही इक्वल है या नहीं है, सेम टू सेम इक्वल है। कैसे देखो, आप वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा, देखना जरा, ये क्या है 1 2 -1, ये भी क्या है 1 2 -1, 2 2 1, ये भी कितना है 2 2 1, ये क्या है -1 1 1 3, ये भी कितना है -1 1 1 3, यानी ये किसके इक्वल है, ये ए के ही इक्वल है। तो हमने आपको क्या बताया था, अगर कोई एक मैट्रिक्स, जहाँ से सुनो बाकी सेल्फ चेक करना, अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है और अगर हमने उसका ए ट्रांसपोज फाइंड किया और वो किसके इक्वल आया, अगेन ए के ही इक्वल आया, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कर लोगे, ठीक है, बाकी के दोनों को भी सेम ऐसे आपको चेक करना है, बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं बनना, ये भी हम कर देते, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, मैट्रिक्स ए लिखना, उसका ट्रांसपोज फाइंड करना, देखना है वो ए के इक्वल है फिर -A के इक्वल है, ठीक है, लिख कर देखना, हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, E5, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक एंड विच आर स्क्यू सिमेट्रिक। देखो बच्चों, अगेन सेम इसमें देखा है, सिमेट्रिक पूछा है और स्क्यू सिमेट्रिक पूछा है, जस्टिफाई और आंसर आपको करके दिखाना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, तो 2 3 4 का ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, बाकी छोड़ देना, इन पर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि ये सारे सारे सेम टू सेम है, बस यहाँ पे B1 B2 लिखा है, मैट्रिक्स के नंबर्स एलिमेंट चेंज कर दिए, बाकी सब तो है तो सेम टू सेम, ठीक है, लिख कर देखना, हो जाएगा आपका। फिर हमारे पास E6 क्या दे रखा है, हमारे पास शो दैट द डायगनल एंट्री, ध्यान सुनो, शो दैट द डायगनल एंट्री ऑफ एन क्रॉस एन रियल स्क्यू सिमेट्रिक आर 0। अब यहाँ पे नोटिस करना, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक था क्या, एक सेकेंड बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही तो था। देखो अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है और जब हम उसका ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, -A के इक्वल आना चाहिए, तभी तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और आप जरा नोटिस करो, एक मिनट आपको पीछे दिखाते हैं, वो आपको दिखाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, ये आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल में नोटिस करो, इसके डायगनल के सारे एलिमेंट कितने 0 हैं, इसके भी कितने सारे सारे 0 हैं, ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इसका भी देखो, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके भी डायगनल के एलिमेंट कितने हैं 0 हैं, है कि नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट में यही पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है इन्होंने, एक मिनट, हाँ स्टेटमेंट में इन्होंने यही पूछा है, अगेन देखो, एक मिनट बच्चों, ये लिखा है कि शो दैट डायगनल एंट्री ऑफ एन क्रॉस एन, है ना, डायगनल एंट्री ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स कैसा होगा, रियल होगा, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे के सारे जो डायगनल होंगे वो कैसे होंगे, डायगनल एंट्री कैसे होगी, 0 होगी। कर लोगे ना, इसका एक एग्जाम्पल ले लेना, जैसा अभी हमने आपको दिखाया था, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक एग्जाम्पल ले लेना, यहाँ पे लिख देते हैं, एक मैट्रिक्स ए लिखना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे लिखाना 3 -1 -1 और 5, इसको आप दिखा देना कि ये क्या हमारे पास है, एक मिनट बच्चों, हमें तो सीओ लेना था ना, स्क्यू वाला लेना था, ये तो हमने सिमेट्रिक वाला कर दिया, जस्ट एक मिनट बस चेंज कर देते, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए, ठीक है, एक हमारे पास मैट्रिक्स क्या दे रखा, हमारे पास ये 0 -5 5 और 0, इस मैट्रिक्स को आप चेक करना, आपका इसका AT जो है वो -A के ही इक्वल आएगा, और आप फिर दिखा देना
कि क्योंकि इसके डायगनल के सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप एक दूसरा एक मैट्रिक्स ले लेना, एग्जाम्पल नंबर टू, ठीक है, जिसके डायगनल के एलिमेंट क्या, जीरो मत लेना। जैसे मान लो आपने क्या ले लिया, 3-1 है ना, 1 और आपका ये 5, ये ले लेना। अभी आप लोग इसमें क्या करोगे, इसमें इसमें आप 80 निकालना और आप दिखा देना कि 80 जो है इक्वल नहीं है किसके, माइनस ए के। मतलब अगर आप ऐसा कोई मैट्रिक्स लेते हो, ध्यान सुना, अगर आप कोई ऐसा एक मैट्रिक्स लेते हो जिसके डायगनल की एंट्री जीरो नहीं होगी, तो वो उसका ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल नहीं आएगा। अगर आप इसके डायगनल की एंट्री जीरो लोगे तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं। तो आपको देखो, अगर आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा स्क्यू सिमेट्री का, तो आप ऐसे एग्जांपल लेके कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। E7 में क्या दे रखा है, इफ ए एंड बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर फील्ड एफ है, शो दैट, आपको शो करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा ए टी प्लस बी टी के। देखो इसका हम कर देते हैं, बहुत सिंपल सा है। क्या देखो, हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ना, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कोई से भी दो दो मैट्रिक्स एज्यूम कर लेने हैं। जैसे लेट एक मैट्रिक्स आपका ए दे रखा है, कितना दे रखा हमारे पास, ये 2, 3, 4 एंड 5। एक मैट्रिक्स दूसरा बी मान लो, 1-1, 0 और आपका 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम एग्जांपल लेकर भी कर सकते हैं, एक एग्जाम थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन थ्योरम वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपको शो क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं टू शो दैट, शो दैट आपको शो करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा, ए टी प्लस में बी टी के। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखी है, लेफ्ट हैंड हमारे पास दे रखा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज है ना। यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं, देखना आराम से आप लोग। पहला वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या रखा है, 2, 3, 4, 5। ठीक, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रखा था, 1-1, 0 और 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, और साथ में ये क्लोज था, इक्वल का साइन लगाओ, यहाँ पे क्लोज रख करो, और साथ में ऊपर क्या था हमारे पास, एक सेकेंड बच्चों, एक मिनट रुकिएगा बस, ऐसे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, और ऊपर क्या था ट्रांसपोज है ना। पहले इन दोनों को अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हमारे पास कितना आंसर आएगा, इधर ही कर देते हैं साइड में, कितना हमारे पास दे रखा है, 2 और 3 को करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा, तो 2 को ऐड करो 1 के साथ, ये कितना हमारे पास, ये 3। 3 को ऐड करो -1 के साथ, कितना हमारे पास, ये 2। देन नेक्स्ट 4+0 कितना हमारे पास, ये 4। 5+2 हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 7। ऊपर में क्या था ट्रांसपोज था, और इसका ट्रांसपोज तो आप तो निकाल लोगे, ट्रांसपोज का मतलब क्या था, ये तो था ट्रांसपोज का मतलब कि 3, 2 आपकी जो रो दे रखी है इसको कर दो कॉलम में, यानी 3 और 2। 4, 7 को किसमें कन्वर्ट कर दो हमारे पास, ये 4 और आपका 7 कर लोगे, ये कितना आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो कर लोगे। अब हमें करना है ये राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या देखा था, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या देखा था, ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज, ये तो दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या दे रखा हमारे पास, मैट्रिक्स दे रखा है 2, 3, 4, 5 है ना, ये देखा हमारे पास, ये 2, 3 एंड आपका ये 4, 5। इस मैट्रिक्स का क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। ठीक है, देन प्लस में बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या रखा है, 1-1 और 0, 2। ये रखा हमारे पास कितना, 1-1 और आपका ये 0, 2। इसका भी ट्रांसपोज करना है, तो जब हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका आंसर कितना आने वाला है, ये हो जाएगा हमारे पास ये 2, 3, ये हो जाएगा हमारे पास ये 4, 5। अब तो ये कर लोगे ना ट्रांसपोज, हमने कैसे फाइंड किया है, प्लस में ये कितना हो गया हमारे पास, ये 1 और ये -1, ये हो गया 0 और हो गया हमारे पास ये 2। ठीक, अब ये कितना, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हमारे पास आंसर आएगा, एक सेकेंड बच्चों, हाँ 2 को ऐड करो 1 के साथ, कितना हमारे पास आया 3। 4 को ऐड करो 0 के साथ, कितना हमारे पास आ गया 4। ठीक ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3+-1 कितना हो गया हमारे पास 2। 5+2 कितना हो गया हमारे पास, ये 7। और ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर
सेकेंड, और यहाँ पे देखोगे लिखोगे फ्रॉम, उसके नीचे लिख देना ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखो दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं ये भी। अब वीडियो को पॉज करके देखना, ये वाला मैट्रिक्स है ना और ये वाला मैट्रिक्स देखो सेम टू सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे आपस में इक्वल है ना, है ना सेम इक्वल, देयरफॉर देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट ट्रू, या ट्रू लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा किसके, ए ट्रांसपोज के प्लस में बी ट्रांसपोज के, इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जांपल देके ठीक है। स्टेटमेंट का थ्रू प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन प्रूव आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, केवल एग्जांपल देके आपको समझाना है ठीक है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ई एट क्या दे रखा है, अगेन एक मैट्रिक्स ए दे रखा है एन क्रॉस एन ऑर्डर का ओवर फील्ड एफ। अगर आपको फील्ड का मतलब नहीं पता है तो आने वाले लेक्चर्स देखिएगा, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि फील्ड किसे बोलते हैं। आपको शो करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांस करेंगे तो ए ही आएगा, मतलब बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन क्या देखा हमारे पास, एक मैट्रिक्स हमने माना लेट, एक मैट्रिक्स हमने क्या मान लिया, मानो हमने क्या मान लिया टू थ्री फोर और आपका वन, ये पहला वाला हो गया। सबसे पहले इसका ए ट्रांसपोज फाइंड करो, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या आएगा, बहुत आसान है, टू थ्री क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारा कॉलम बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फोर वन हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये फोर वन, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल है। अब इसने बोल रखा है कि इसने ये बोल रखा है कि पहले ए टी फाइंड करो फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करो, अगेन दोबारा से दो बार ट्रांसपोज करना। अब इसका भी अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो कितना इसका आंसर आएगा, ए टी का भी ए टी का भी टी फाइंड करो अगेन। अब आपको ये रो दे रखा है, ये क्या बन जाएगा कॉलम, अगेन टू फोर, और ये थ्री वन क्या बन गया, थ्री वन। और आप देखो कि ये जो थर्ड वाला दे रखा है ये सेम टू सेम ए ही तो है, यानी कि ए ट्रांसपोज को हम जब मतलब किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है, पर हम यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने टॉपिक नंबर फोर के जो स्टार्टिंग के जो तीन टॉपिक थे तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, पहला था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीसरा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तीनों को आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना ठीक है। अगर आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे तभी आप आगे के नेक्स्ट टॉपिक कर पाओगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट होगा हमारा लेक्चर नंबर फाइव ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो क्या होगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर फाइव में।